नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विद इज अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी। तो आज सुबह 6 बजे जो विश्व के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान, यानी याद होगा कि हम लोगों की जो श्रृंखला चल पड़ी इन द सेंस कि हम लोगों ने रोज डे टू डे लाइफ अलग से, हमने देखा पहले लेक्चर में कि रिवर के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि माउंटेन के बारे में, और आज बात करते हैं डेजर्ट के बारे में। यानी विश्व के 10 बड़े डेजर्ट रेगिस्तान, जो हो सकता है वो डेजर्ट चाहे कोल्ड डेजर्ट हो सकता है वो हॉट डेजर्ट हो, चाहे वो ठंडा रेगिस्तान हो या गर्म रेगिस्तान हो। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज बाबा के किटारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं बच्चों कि अगर आप डेली लाइव टेस्ट लगाने के शौकीन हैं तो लाइव टेस्ट लगा सकते हो। उसके लिए 2 चैनल बनाया गया है, एक चैनल लाइव टेस्ट के लिए और एक चैनल डिफेंस एग्जाम के लिए। 2 चैनल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है बच्चों। और एक ऐसी टीम एसएससी वॉरियर्स जो आपकी तैयारी को बिल्कुल एक नया देंगी। कोड यूज करिए एसएससी एग्जाम। और सर ये आप मुझ पर भरोसा रखिए, नमन सर पे भरोसा रखिए, हितेश सर पर भरोसा रखिए, आकांक्षा मैम पर भरोसा रखिए। कुछ बच्चे कहते हैं मैं कल देख रहा कि सर 10 मिनट की वीडियो में आप लगातार 10 मिनट की वीडियो में आप लगातार ऐड देते हो। बच्चे ये ऐड नहीं, जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब सोचो ना, लॉकडाउन जो है वो 3 मई के बदले 31 मई सुनने को आया, बढ़ गया 31 मई हो गया। अब ऑफलाइन कोचिंग खुलेंगी नहीं, अब बताओ क्या करोगे? ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी नहीं, क्या करोगे सो बताओ। आपके पास यूट्यूब भी है, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो। अन अकेडमी पे भी मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ 3 से 4, वहां भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है सर मैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहता हूँ, बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ टीम एसएससी वॉरियर के साथ। और छोटे छोटे बच्चे जो 9th में है, 10th में, 11th में, 12th, वो भी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेकर मात्र 99 रुपीज में 1 महीने पढ़ सकते हैं, मात्र 99 रुपये में। यूज करना कोड बाबा10। अब देखो टॉप 10 लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में जो 10 सबसे बड़े रेगिस्तान हैं। अब आपके दिमाग में ऐसे आता होगा सर ये सहारा की बात तो नहीं कर रहे हैं, सहारा डेजर्ट की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो सहारा डेजर्ट सर ये हॉट डेजर्ट है, याद रखना। कैसा डेजर्ट है ये? हॉट डेजर्ट है। दैट मीन सबसे पहले बात करें अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका विश्व में सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जो कैसा है ये? कोल्ड डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट है। रुको मैं कलर चेंज कर लूं। ये कोल्ड डेजर्ट है। यानी लोकेशन की बात करें साउथर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, ये इंडिया का मैप, ये पृथ्वी की मैप की बात करें, ये जो लोकेशन है ये जो लोकेशन यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। सर स्क्वायर मील्स की बात करें, लार्जेस्ट बैरन कोल्ड डेजर्ट, सबसे बड़ा बंजर ठंडा रेगिस्तान। तो याद रखना अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि सर लार्जेस्ट डेजर्ट, और अगर ऑप्शन में अंटार्कटिका और सहारा दोनों है तो आप ऑलवेज अंटार्कटिका के साथ जाओगे, ना कि सहारा के साथ। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट, अगर हॉट कहता तो सहारा के साथ जाते, कोल्ड कहता तो अंटार्कटिका, अगर दोनों नहीं है तो ऑलवेज अंडरस्टूड है हमें अंटार्कटिका समझना पड़ेगा। अब आर्कटिक की बात करते हैं, दूसरा जहां हम अभी देख रहे थे दक्षिणी गोलार्ध में, फिर मैं बात करता हूं उत्तरी गोलार्ध में, यानी सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट, दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान जो दक्षिणी क्षेत्र जिसे टुंड्रा के नाम से जानते हैं। तो सर ये कहाँ फैला हुआ है बच्चों? आप इंडिया की मैप को देखोगे, और सॉरी वर्ल्ड के मैप को देखोगे तो यहाँ पे रसिया जो यूरेशिया कहते हैं ना, ये पोर्शन नॉर्वे और रसिया के पास, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है और जो उत्तरी गोलार्ध का पोल जो है इसके बीच टिका हुआ है आर्कटिक। तीसरे बात करते हैं सहारा डेजर्ट की, जिसकी आकृति अगर आप सहारा डेजर्ट को देखोगे तो इसकी आकृति बिल्कुल यूएसए के मैप की तरह है, यूएसए के मैप की तरह है, यानी माली, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, टूनेशिया, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, मोरक्को, ये सब बोथ जो सहारा डेजर्ट हैं, यानी इन सब कंट्री के आसपास क्षेत्र में है। तो सर 32.3 लाख, अच्छा कितना देखिए, 1/10,000 यानी 33,20,000 स्क्वायर माइल्स पे दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। अब देखो अंतर क्या आ गया, अंटार्कटिका
और सहारा में दोनों में अंतर क्या है? तो जहां ये ठंडा रेगिस्तान है वहीं ये गर्म रेगिस्तान है, लेकिन ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा कौन हो गया? अंटार्कटिका तो होगा, ठीक है। अब अरब के रेगिस्तान की बात करते हैं, अरेबियन डेजर्ट की बात करते हैं। ये एशिया में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट इन एशिया, एशिया में सबसे बड़ा अरब का रेगिस्तान है। फिर कालाहारी रेगिस्तान, कालाहारी डेजर्ट, ये कहां? तो कालाहारी की बात करेंगे सर, दक्षिण अफ्रीका में अर्ध शुष्क रेतीला सवाना मैदान है, सवाना का मैदान जो सवाना से लगा हुआ, कालाहारी रेगिस्तान। तो नंबर देखते चलना कौन से नंबर पे कौन सा क्रम है। मुश्किल से हमें याद रखनी है दो, एक अंटार्कटिका के बारे में बताया और सहारा के बारे में, जो आप गलती करते हो अक्सर एग्जाम हॉल में। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, जैसे ग्रेट विक्टोरिया की बात करते हैं विक्टोरिया से दिमाग हमारा क्लिक करता है कहां? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। दैट मीन्स लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये। पेटागोनिया रेगिस्तान, पेटागोनिया की बात करेंगे तो पेटागोनिया कहां? अर्जेंटीना, चिली, यानी कहां जाएगा ये? ये जाएगा दक्षिण अमेरिका में। तो एंडीज और अटलांटिक महासागर के बीच में पेटागोनिया का रेगिस्तान है, पेटागोनिया का रेगिस्तान है। बिल्कुल आप नंबर देख लेना बच्चों कौन सा नंबर में, कौन सा, क्योंकि हमने अंटार्कटिका, आर्कटिक और सहारा को तीन क्रम पे देखा, बाकी बात जो 10 क्रम है ये आप नंबर नोट कर लेना अपने नोटबुक में। सीरियाई रेगिस्तान, सीरियन डेजर्ट, सर पेटागोनिया के समान आकार, यानी पेटागोनिया और इसका एक समान आकार है, तो हमें किसी ना किसी को तो नंबर आगे पीछे रखना होगा, तो हमने पेटागोनिया को रखा, सीरिया को बाद में रखा। इसके बाद बात करते हैं ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, ये कहाँ है? ये यूएसए में लोकेट है, लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ग्रेट बेसिन रेगिस्तान कहाँ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। भारत की बात करेंगे, बिल्कुल भारत में थार रेगिस्तान, वो राजस्थान में है। थार कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। तो ये था सेशन, छोटा सा लेकिन इफेक्टिव, कहते हैं ना कि छोटा पटाखा कमाल का धमाका करते हैं, यानी छोटा क्लास वो जबरदस्त। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं अकेडमी लर्निंग ऐप में तो बिल्कुल आप बाबा 10 कोड यूज करके जुड़ सकते हैं, DRDO जो हमारी क्लास चल रही है, रेलवे की क्लास चलेगी। और SSC जुड़ना चाहते हो तो SSC एग्जाम कोड जरूर यूज करें, ताकि जो आपका सफलता है वो बिल्कुल 200% हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो कहाँ पे? तो बिल्कुल ये प्रोफाइल देख रहे हो, ये अनअकैडमी का प्रोफाइल है, रोहित कुमार सर्च करोगे मिल जाएंगे, वहाँ पे मुझे फॉलो करोगे और 3 से 4 रेगुलर फ्री क्लासेस मिलेंगे आपको, वहाँ क्लासेस देखने पर अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ इसी तरीके से धमाकेदार सिस्टम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।